हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास तीसरी है, क्लास थर्ड ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव किस तरह कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को किस तरह करते हैं, तीनों का परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। आई मीन टू से टेंस को पैसिव किस तरह बनाते हैं, टेंस का आर टेंस का पैसिव बनता है उसको किस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चार का बनता नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल का। अगर मॉडल्स का मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल्स आपको पता ही होगा, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब मॉडल होते हैं जितने भी हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मॉडल क्लास आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मॉडल्स क्या क्या है, मैंने पढ़ा रखी है मॉडल्स क्लास, ठीक है। तो अगर मॉडल्स की बात करूँ तो मॉडल्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं विदाउट हैव, विदाउट हैव, और एक होते हैं विद हैव, ठीक है। विद हैव जो होंगे वो पास्ट में यूज होते हैं, और जो विदाउट हैव होते हैं ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर जो मॉडल आने हैं वो आ जाएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यानी कि मॉडल्स लिख सकता हूँ मैं। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना मॉडल के बाद हमेशा अगर मॉडल कोई भी आ रहा है तो हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मॉडल कोई भी है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, अगर कोई भी मॉडल है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं को, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला मॉडल का। अगर इनका पैसिव मुझे बनाना है तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। क्या करना है, वही जो हम करते आए हैं, ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है, प्लस जो मॉडल लिखा होगा वो मॉडल्स लिख देने हैं, फिर बी आ जाएगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय लग के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बस ये करना है और कुछ नहीं करना। जैसे यू शुड, अगर मैं बोलूं यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, भाई क्या क्या मीनिंग आया, तो ऑब्जेक्ट है क्या, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश शुड, मॉडल आ गया, मॉडल ऐसे कैसी आएगा, बी लगा दो, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। जैसे हम बोल सकते हैं क्या ये बाइक रिपेयर हो सकती है, तो बोलेंगे वो तो खैर विदाउट ऑब्जेक्ट का है। जैसे हम बोलेंगे ही कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता है, तो क्या आ जाएगा, आई कैन बी हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि मेरी मदद उसके द्वारा हो सकती है, इस तरीके से हम बोलेंगे। और जो अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो सब आपको पता ही है, वो सब आप बोल ही सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं लाइक द पुअर मस्ट बी, ये तो कुछ भी एक तरह से बोल सकता हूँ, जनरल सेंस है, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय द रिच, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा हम बोलेंगे और देख सकते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, जो भी आपको बोलना है, वॉन्ट टू वगैरह के, जैसे यू मस्ट नॉट अब्यूज हिम, आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए, तो सिंपल करना है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से करना है, बस जो भी है बस आपको बी लगा देना है, यू मस्ट नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम, ये आपको कर देना है। शुड आई, जैसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हाट शुड आई गिफ्ट माय फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, यानी कि बर्थडे पे मैं अपने फ्रेंड को क्या गिफ्ट दूँ, तो व्हाट तो ऐसे ही रहेगा, व्हाट शुड भी ऐसा आ जाएगा, शुड माय फ्रेंड बी गिफ्टेड बाय मी ऑन हिज बर्थडे। तो ये है मॉडल का, तो ये मॉडल का है, जो भी मॉडल का है उसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल मॉडल के बाद बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है, वो मिल जाता है मॉडल का पैसिव। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आता है मॉडल विद हैव, यानी कि जो मॉडल विद हैव होते हैं
वो पास्ट में यूज़ होते हैं। आप देखिए मॉडल विद हैव, जो भी हैव के साथ मॉडल होंगे वो कहाँ पर यूज़ होंगे, वो पास्ट में यूज़ होंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होती है एक्टिव वॉइस की सेंस। जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, और हाँ जो बोला गया है उसकी उल्टी सेंस जनरेट करते हैं, अपोजिट सेंस जनरेट करते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ गाली नहीं देनी चाहिए थी, इसका मतलब आपने वहाँ गाली दे दी। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, इसका मतलब आप वहाँ नहीं गए, तभी तो हम ऐसा बोलते हैं। तो यू शुड नॉट अब्यूज हिम, तो क्या आ जाएगा ही। और इसको अगर मुझे पैसिव में बनाना है तो पैसिव वे में कुछ नहीं करना, बस सिंपल वही आपको करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, फिर जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स ऐसे लिख देने हैं, फिर है वैसे ही आ जाएगा, और बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर बी, फिर वह थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आ जाएगा, वो इस ऑब्जेक्ट का सॉरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर, ठीक है। जैसे इसका बना देते हैं हम, जैसे यू शुड नॉट हैव भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, यू शुड नॉट हैव अब्यूज हिम, ये सेंटेंस है, देखिए एक्टिव का सेंटेंस है, यू शुड नॉट हैव अब्यूज हिम, तो पैसे बनाएंगे ही शुड नॉट हैव बीन अब्यूज बाय यू, इस तरह बोल सकते हैं, उसको तुम्हारे द्वारा गाली नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये था अगर किसी के लास्ट में मॉडल आ सकता है, अगर मॉडल इन पास्ट हो। जैसे एक और दे सकते हैं, यू कुड हैव, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडिया कुड हैव वन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती थी, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो क्या बोलेंगे, तभी तो हम बोलेंगे, मैंने बताया जो बोला गया है उसकी अपोजिट सेंस है, इंडिया मैच जीत सकती थी, इसका मतलब इंडिया मैच नहीं जीती, तो वो क्या बोलेंगे, इसका पैसिव बनाना है, द वर्ल्ड कप कुड का कुड ही रहने देंगे, हैव का हैव ही रहने देंगे, और बी की हो जाएगी बीन, द वर्ल्ड कप कुड हैव बीन वोन बाय इंडिया, इस तरह हम इसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये है मॉडल इन पास्ट का, तो ये मॉडल का भी यूज हो चुका है आपका। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बातचीत करेंगे अब। अगर मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं स्टार्ट्स विद वर्ब, जो वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की मदद करो, इनमें प्लीज़ जैसा शब्द भी लगा मिल सकता है, प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव में अगर बनाना है तो हम बोल सकते हैं You are requested, you are advised, you are ordered, you are commanded, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। इसके बाद टू आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हेल्प द पुअर तो क्या आ जाएगा, यू आर, ये सलाह है, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, आपको एडवाइस दे देता है आप गरीबों की मदद करो। प्लीज लगा हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, डोंट डिस्टर्ब मी, इसको आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, यू आर ordered not to disturb me, ये इस तरह बन सकता है। नेक्स्ट आता है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अगर मैं लेट के बारे में बात करूं, जैसे लेट हिम गो, ये तो लेट का एक्टिव वॉइस की बात कर सकता हूं, तो हम बोलेंगे लेट हिम गो, यानी कि उसे जाने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, इस तरह के सेंटेंस में। इस तरह के सेंटेंस को हम अलाउड से बनाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ही मे बी अलाउड टू गो, आई है तो आई का आ जाएगा, आई मे बी अलाउड टू स्टडी बर्ड, मुझे जाने के लिए परमिशन अलाउ कर दिया जाए। लेट का एक दूसरा पार्ट और होता है जिसे हम बनाते हैं, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है ये। अब इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है
लाइक ही मे बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, या फिर दूसरा तरीका वही है, दूसरे तरीके में क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा करके हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे तो क्या जाएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक दो सेंटेंस और है जो आप देख सकते हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर रूल तो है नहीं लेकिन आपको समझना ही है। जैसे दरवाजा बंद रहने दो, इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगर हम ये बोलते हैं कि दरवाजा बंद रहने दो, तो उसके लिए हम बोलेंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड। एक तरीका और है, लेट अस स्लीप नाउ, इस तरीके के सेंटेंस को हम बनाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप नाउ, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये पैसिव का पार्ट है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन करी हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात एक और है, कल मैं जो आपकी क्लास होगी पैसिव की, वो आपको मैं बताऊंगा कि हु को किस तरह बनाते हैं, हु को बाय हुम करके किस तरह बनाते हैं, पार्टिसिपल जेरंड का किस तरह बनाते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनका पैसिव किस तरह हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। कल आपकी क्लास पैसिव की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वो ज़्यादा बड़ी क्लास तो होगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की क्लास होगी वो, जिसमें आपको ओवरऑल पैसिव, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से पैसिव होते हैं जिनको हमें देख के नहीं पता लगता कि पैसिव कैसे बनाए, या फिर ऑलरेडी पैसिव है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो पैसिव की हैं वो सारी आपकी कल की क्लास में लास्ट हो जाएगी। तो ये हमारी क्लास है पैसिव वॉइस की। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अपना लाइव क्लास शुरू करना चाहते हैं तो हमें लाइव क्लास शुरू करिए, कॉल कीजिए इस नंबर पर लाइव क्लास के लिए। और कई कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।